हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे से हैं बाय गॉड्स ग्रेस। और ये मैं दिखा रही हूँ नवरात्रि से पहले का, ये है क्लीनिंग का ब्लॉग। मैंने जो पहले भी जो ब्लॉग डाला था उसके बाद का है ये। तो ये देखिए फ़ैन कितना ऑयली और डर्ट जमा हो गया है। 5-6 सीलिंग फैंस था तो क्लीन करने के लिए मैंने एक वो ये जो है ये इलेक्ट्रिशियन है इनको बुलाया था। तो ये लैडर है हमारे पास एल्युमिनियम का, तो ये इन्होंने इस पर वो तो पूरा टॉल है इस पर चढ़ के पूरा क्लीन कर दिया है। पर वो मैंने सर्फ और वो पानी दिया था, पर बाद में मैंने और एक ट्रिक बताया जिससे कि अच्छे से क्लीन हो गया। प्लास्टिक कंटेनर में मैंने थोड़ा सा विनेगर ले लिया था और अभी जो मैंने डाला बुलबुले निकल रहे हैं ना बबल्स, इसमें मैंने खाने का ये जो सोडा रहता है ना मीठा सोडा, तो वो डाला है। तो इससे ना वो ऑयल वाला जो डर्ट रहता है चिमनी वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये तो फैंस के ब्लेड्स थे, तो ये मैंने ट्रिक बताया। नहीं तो वो क्या कर रहे थे, सर्फ से लेके पानी से रगड़ रहे थे, वो निकल नहीं रहा था। तो ये वाला ट्रिक मैंने बताया तो बहुत खुश हो गए और आराम से वो डर्ट निकल गया। और अच्छे से मैं दिखाऊंगी बाद में कितना क्लीन और शाइन कर रहा था। किचन से जो पूरा स्ट्रेट है ये जो डाइनिंग टेबल पड़ा है ना, वहाँ पे जो सीलिंग फैन है उसमें तो ज़्यादा ही वो डर्ट लगा था, तो वही थोड़ा टाइम लगा। पर इस वाले ट्रिक से ना, मैंने जो बताया विनेगर और बेकिंग सोडा का, तो इससे तो बहुत इजी से और टाइम से भी हो गया, अच्छे से निकल गया। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं आप भी जब करेंगे। ये सब काम ख़त्म होते होते फिर सब्जी वाली गाड़ी भी आ गई और मैं अरेंज कर रही हूँ। सुबह ही आ गए वो भैया क्लीन करने के लिए, बहुत ही काम रहता है सुबह, और ब्रेकफास्ट भी बना के मैंने रखा है। फिर वो आ गए, फिर वो जाते जाते सब्जी भी आ गई। सब्जी भी कुछ ज़्यादा नहीं लेके आई, कुछ अच्छा नहीं था, तो आलू प्याज टमाटर और ये लौकी, एक नींबू और ये पपाया। ये कुछ धूप में मैंने धूप लगाया है, ये कुछ गार्लिक ये ऐसे ख़राब हो गया था अंदर, तो इसीलिए धूप में रखा। आज थोड़ा धूप निकला था अच्छे से, पर आ रहा है जा रहा है, बीच में बारिश भी हो गया थोड़ी देर के लिए। और ये इडली रवा है, इसको भी थोड़ा ये ले दूंगी धूप। बहुत सारा वड़ी लेके आई थी ना मैं, तो आधा आधा करके सुखा रही हूँ बस। और ये भी पोहा, कपड़े आज मशीन में नहीं डाले थे तो थोड़ा सा ही बस सूख रहा है। और कुछ स्वीट खाने का मन कर रहा है तो मैं स्क्रैच से बिल्कुल बना रही हूँ एक स्वीट आइटम, तो आटे से बनाएंगे। ये मैंने एक कप का आटा ले लिया है, हाफ कप ही लूँगी, पूरा नहीं लूँगी। और ये मेरा ये बोल है ना, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, आपको बता रही थी, ये फर्स्ट ग्लास बोल है मेरा। मुझे ग्लास आइटम से ही बहुत थोड़ा डर लगता है कि हाथ से छूट ना जाए, पर ये मैंने लिया है ऐसे मिक्सिंग बोल जैसे यूज़ करूँगी, अच्छा लगता है देखने के लिए, ट्रांसपेरेंट जो रहता है ना, तो एक ही लिया है। और कुछ एक दो है बोर आइटम में, पर मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। कुछ लिड वगैरह में ग्लास है पर मैं कम ही यूज़ कर रही हूँ। तो हाफ कप तक आटा ले सकते हैं, आटा ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे मैंने ये जीरा डाला है, होल जीरा जो रहता है ना क्यूमिन वो, और थोड़ा नमक और थोड़ी सी ये इलायची पाउडर, बस थोड़ा सा 1 पिंच। और ये मैंने लिया था एक स्पार से नारियल का बुरादा, फ्रेश कोकोनट है तो स्क्रेप करके डाल सकते हैं ग्रेट करके, और ये मैं ले रही हूँ एक एक छोटे स्पून से, आप ले सकते हैं। ये मैंने कंटेनर धो के रखा है, ये रिफिल करूँगी उसमें। और ये मेरा जैगरी पाउडर है,
ये थोड़ा सा लेंगे, स्वीट बन रहा है ना इसीलिए। बड़े बड़े 2 स्पून मैंने डाला है। और ये वैनिला एसेंस है, ये लिक्विड है, मैं 2 ड्रॉप्स तक डालूंगी। स्नैक्स में कुछ इवनिंग में अगर स्वीट जैसा खाने का मन हो तो आटे से ये झटपट बनने वाला स्नैक्स बना सकते हैं। अगर वैनिला ये नहीं है तो आपके पास वो ओवर राइप बनाना रहता है ना, उसे भी बन जाता है। ये थोड़ा सा ये घी है, मैं 1/2 स्पून तक घी डालूंगी इसमें। घी डालने के बाद हाथ से हम नीड करेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नीड करेंगे जितना जरूरत है। मैं एक्चुअली आपे बनाने जा रही हूँ आपम, पर ये व्हीट फ्लोर से बनेगा। ट्रेडिशनली तो राइस फ्लोर से बनता है पर हम व्हीट फ्लोर से बनाएंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ऐसा है, इसे रेस्ट नहीं कराना है, पर जब तक हम ये आपे पैन है ना इसको ग्रीस करके रेडी करते हैं तब तक इसे ऐसे रहने देते हैं। और ये पैन मैंने गैस पे बिठा दिया है, इसको ग्रीस करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, मैं तो ग्राउंड नट ऑयल यूज़ कर रही हूँ तो वही वाला ले लिया है। अच्छे से ग्रीस कर देंगे पैन को, थोड़ा सा तेल डालेंगे ये जो रहता है ना वो कैविटीज इसमें। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें रफली, कोई शेप की कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही रख सकते हैं पैन में। मीडियम स्लो फ्लेम में पकाएंगे, थोड़ी देर चेक करेंगे, इसको पलट देंगे। ये ब्लैक स्पॉट जो है जागरी पाउडर का ग्रैनुल रह जाता है ना उसको। बीच बीच में चेक करके पलटते रहेंगे। ये बच्चों वाला स्नैक्स है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, और बड़े भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही खा पाएंगे। जिस जिस से पार्ट से नहीं हुआ है पोर्शन से उस ऐसे घुमा के उस तरफ रखेंगे नीचे। अभी हो गया होगा, इसे निकाल देंगे। बिल्कुल ही घर में अवेलेबल चीज़ों से और कम तेल में बन गया है। और ये हार्ड भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बड़े भी खा सकते हैं। ये नहीं हुआ है थोड़ा, इसीलिए मैंने फिर से डाला है। और ये ऐसे दिख रहा है, थोड़ा टाइम हो गया है, इसे भी निकाल देंगे। और एक 1 more lot होगा तो उसके लिए मैंने तेल भी डाल दिया है कैविटीज में।
ये बच्चों ने और बड़ों ने खा लिया है हाफ, और थोड़ा सा ही मैंने थोड़ा सा ही बनाया था। कभी ज़्यादा बनाऊंगी तो फिर अच्छे से शेयर करूंगी आपके साथ। इंस्टेंट एक क्विक सा किड्स के लिए स्नैक्स था आइटम, स्वीट वाला, आप बना के दे सकते हैं बच्चों को और बड़े भी खा सकते हैं आराम से। और अगर मैंने बताया था ना वैनिला एसेंस नहीं है तो राइप ओवर राइप बनाना डाल के बना सकते हैं। ट्रेडिशनली ऐसे ही बनता है ये बनाना से, पर वो भी मेरे पास वो था एक पर ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैंने एसेंस डाल के बना दिया वैनिला। आटे से बनता है ना तो जल्दी बन जाते हैं, अगर राइस फ्लोर चावल के आटे से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम और लेगा ये, थोड़ी देर बाद और होगा थोड़ा फिर निकालेंगे। ये एक 1 बोल फुल बन के रेडी है, खाएंगे, बच्चों को दूंगी मैं। आप ये बना के फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।